केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे तब एक नई परंपरा भी शुरू होगी। अमित शाह ने बताया कि 1947 में अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सिंगोल दिया था, इसे अब फिर से संसद में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। अभी तक ये सिंगोल पंडित नेहरू के प्रयागराज स्थित निवास में रखा गया था जो अब एक म्यूजियम के रूप में तब्दील हो गया है। अमित शाह के मुताबिक देश के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जैसे ही सिंगोल के बारे में पता चला उन्होंने इसकी जाँच करवाई, फिर फैसला लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। अमित शाह ने जैसे ही देश को सिंगोल के बारे में बताया सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड करने लगा, लोग सिंगोल को लेकर जानकारी जुटाने में लग गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंगोल के बारे में कैसे पता चला और क्यों इसे नई संसद में रखवाने का फैसला किया गया है? तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में हम आपको इस बारे में पूरी डिटेल में बताते हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक जानी मानी डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने 15 अगस्त 2021 को सिंगोल को लेकर एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा था। अखबार ने संस्कृति मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से लिखा है, पद्मा सुब्रमण्यम ने चिट्ठी में मई 2021 में तमिल मैगजीन तुगलक में छपे एक आर्टिकल का जिक्र किया था। इस लेख में उस समारोह के बारे में बताया गया था जब 1947 में भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को सिंगोल सौंपा गया था। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी। तब उन्होंने पंडित नेहरू से पूछा कि बताइए सत्ता का हस्तांतरण हम आपको कैसे करें। पंडित नेहरू ने इसके लिए सी राजागोपालचारी से मशवरा मांगा। तब राजागोपालचारी ने कई ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्हें सिंगोल की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने पंडित नेहरू को इसके बारे में बताया, फिर इसे तमिलनाडु से मंगाया गया। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू ने पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया, उसके बाद सिंगोल समारोह हुआ था। आजादी के समय देश विभाजन के सदमे में भी था और तब फैली हिंसा मातृभूमि की पीड़ा को और बढ़ा रही थी, इसलिए तब सरकार को सिंगोल समारोह को करने के लिए ज्यादा तैयारी का मौका नहीं मिला। इस समारोह को आनन फानन में किया गया और इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया था। इस वजह से सिंगोल को लोग याद नहीं रख पाए और यह अतीत के धुंधलके में खो गया। हालांकि भारत उस समय आजाद हो रहा था, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया की निगाहें उस पल को कैद करने पर लगी थी और तब टाइम मैगजीन समेत कई अंतरराष्ट्रीय अखबारों और देश के कई बड़े अखबारों ने सिंगोल को लेकर बड़ी बड़ी खबरें प्रकाशित की थी। पद्मा सुब्रमण्यम ने जब पीएमओ को यह चिट्ठी लिखी और अपने पत्र में सिंगोल से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा तो यही वो पल था जब सरकार को सिंगोल के बारे में जानकारी मिली और उसी समय से सिंगोल को लेकर खोजबीन शुरू हो गई। संस्कृति मंत्रालय ने इस ऐतिहासिक समारोह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट से भी मदद मांगी और इस काम के लिए IIGNCA के विशेषज्ञ साथ आए। शोधकर्ताओं ने तब के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों, किताबों और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से लेकर जहां जहां से इसके बारे में जानकारी मिल सकती थी सबको खंगालना शुरू किया। फिर आया 2017 का साल, तमिल मीडिया में सिंगोल को लेकर एक बार फिर से कुछ छिटपुट रिपोर्ट छपने लगी। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर अपना मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण देने से कुछ मिनट पहले ही ब्रिटिश राज ने भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए जवाहरलाल नेहरू को यह सिंगोल सौंपा था। तमिलनाडु के चोल साम्राज्य के सिंगोल मॉडल को अपनाया गया था। शोधकर्ताओं को जैसे जैसे सिंगोल से जुड़ी जानकारियां मिल रही थी उन्हें इसकी भव्यता का एहसास भी हो रहा था। शोधकर्ताओं को यह पता चला कि चांदी से बने सिंगोल पर नंदी बना हुआ है और इस पर सोने का पानी चढ़ा है जिस पर महंगे आभूषण भी लगाए गए थे। जिस समय पंडित नेहरू ने सिंगोल को अपने हाथों में लिया था तब उसकी कीमत करीब 15,000 रुपए के आसपास थी। अखबार के मुताबिक इसे चेन्नई के हीरा कारोबारी बुमिदी बंगारू चट्टी एंड सन्स ने बनाया था। एक तरह से कहा जाए तो सिंगोल भारत की आजादी का प्रतीक है। उस समय सिंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। अब चूंकि नया संसद भवन बनकर तैयार है और सरकार को इसके बारे में जानकारी मिल गई है, इसलिए सिंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त और पवित्र जगह कोई हो ही नहीं सकती।
जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।